अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, हम लोग स्लाइसेस खाते हैं ब्रेड के ना, तो कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे कह देते हैं कि साइडें उतार दें, ठीक है, जैसे कि ये होती हैं, ठीक है। तो अब समझ नहीं लग रही होती कि इन स्लाइसेस साइड्स के साथ क्या करें, तो मैंने कहा चले इसके साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने आज जो है मैं बना रही हूँ लॉलीपॉप फ्रेंच टोस्ट, ठीक है। तो चलें आपको बताती हूँ कि उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक अंडा, ठीक है, दूध और 3 टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर के। आप चाहें तो वाइट वाली शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउन शुगर, ठीक है। ठीक है, ये हम लेंगे अपना, ये जो स्लाइस है साइड है, इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक हो गया। तो सॉरी, मैंने मेंशन करना मैं भूल गई, टूथपिक्स भी हमें चाहिए होंगी, ठीक है। फिर हम लेंगे ये वाली टूथपिक और हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे, तो ठीक है, ये वाला भी हमने लिया, इसको ऐसे फोल्ड करते जाए, ठीक है। और ये टूथपिक, ठीक हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम बनाते जाएंगे। ठीक हो गया, अब ये हमने बना ली, इसको कर देते हैं अभी साइड पे। और जो है इस साइड पे हम अंडा, वो चीनी, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हम पहले करेंगे मिक्स। ठीक है, अब इसमें डालते हैं दूध, ठीक है। अभी आते हैं वापस इसको फेंटने पे, और इस साइड पे जो है हम कुकर ऑन करके पैन को गर्म कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है, ताकि इसकी जितनी भी वो चीनी थी, ब्राउन शुगर जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है ना, तो उसको ज़्यादा ज़्यादा हमने फेंटना होता है ताकि वो डिजॉल्व हो जाए, गल जाए बीच में से, ठीक है। पैन हो गया गर्म, अब इसमें डालेंगे हम ऑयल, अब ये हमने कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। अब जो है हम लेंगे ये ब्रेड जो हमने बनाई थी, इसको हम डिप करेंगे इस मिक्सचर में, और एक एक करके हम इस पैन में ऐड करते जाएंगे।
अब जो है हम इसको जो है टर्न ओवर करते जाएंगे, ठीक है। तो एक एक साइड इसकी पकती जाए। अब ये हो गए हैं रेडी, हम इसे निकालते हैं अब प्लेट में। सब पका लेते ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये हमारे बन गए हैं फ्रेंच टोस्ट लॉलीपॉप की शक्ल में। बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को बड़ा इंजॉय करके खाते हैं। बच्चे क्या कोई भी ना ज़रा सा फैंसी कर दो चीज़ को तो वो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो आई होप कि आपको ये मेरी जो है रेसिपी भी और ये जो मैंने बनाया ये आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।